डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब मैंने यूट्यूब चैनल को कल लॉन्च किया था तो मैंने कहा था कि मैं रोजाना ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को लेकर चलूँगा जिनको किताबों से समझना आसान नहीं है। और रियली में डियर स्टूडेंट्स, मैं इस तरह के ही टॉपिक्स को लेकर चलूँगा। आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते जाएंगे, आपको किताबों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केवल हम लोग बात करेंगे उसी के अंदर ही हम लोग समझ पाएंगे कि क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, लेकिन जब कभी मैं साइंस को स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो बीएससी की क्लास हो, एमएससी की क्लास हो, चाहे पीएचडी के कोर्सेज वर्क हो, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि यदि आप साइंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप करें। आपके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड नहीं होगा तब तक आप साइंस नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना बहुत जरूरी है, सो इट इज वेरी इसेंशियल टू डेवलप द साइंटिफिक एप्टीट्यूड। सो माय फर्स्ट लेक्चर इज बेस्ड हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक एप्टीट्यूड। इट इज वेरी इसेंशियल इफ यू वांट टू डू द साइंस, इफ यू वांट टू डू द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द साइंस। सो आई वुड लाइक टू गिव द सम एग्जाम्पल्स कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम डेवलप करें। मैं आप सब बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं आप सभी लोग। मैं जॉर्ज मेंडल का एग्जांपल देना चाहूंगा जिसने 1866 और 1867 में मटर के पौधे पर, पाइसम सैटाइवम बॉटनिकल नेम है उसका, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे ऑस्ट्रिया कंट्री में, वियना उसकी कैपिटल है। वहां पर वो एक चर्च में पूजा किया करते थे और चर्च में पूजा करने के बाद उनको जो खाली समय मिलता था वहां पर वो मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। याद रखिएगा, मेंडल केवल बीएससी पास थे साइंस के अंदर, बेसिक डिग्री थी उनके पास, लेकिन उनकी हॉबी थी, उनका एक अट्रैक्शन था नेचर के प्रति। पाइसम सैटाइवम के सीड्स लिए, चर्च के पीछे ग्रो किए और हाइब्रिडाइजेशन, एक फॉर्सिप थी उनके पास, केवल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक फॉर्सिप थी, चिमटी थी उनके पास, उससे पॉलन ग्रेन को इधर उधर करते थे और कई सारी जनरेशंस में उन्होंने सीड्स को स्टडी किया और फाइनली जो तीन लॉ उन्होंने प्रपोज किए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो उन्होंने प्रपोज किए, वो आज 150 साल हो गए, लगभग 150 साल हो चुके हैं मैं जॉर्ज मेंडल ने अपने लॉ प्रपोज किए। आज इतने इंस्ट्रूमेंटेशन को डेवलप होने के बाद भी कोई भी उनके लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये होती है साइंस, दैट इज द साइंस। सो जॉर्ज मेंडल ने जो किया बिना इंस्ट्रूमेंटेशन के किया, और उन्होंने एक सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट जिसने डीएनए के बारे में बताया कि कोई चीज ऐसी होती है जो कि इनहेरिटेंस को, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर करेक्टर्स को ट्रांसफर करती है। उस समय ना तो डीएनए का नामो निशान था, ना क्रोमोसोम के बारे में जानकारी थी। 1866-1867 की बात है। तो जॉर्ज मेंडल से हमें सीखना चाहिए कि आपको साइंस से लगाव होना चाहिए, बाकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगाव होना चाहिए तभी आप साइंस कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए हमें यदि सीखना है तो जॉर्ज मेंडल से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात आपसे करना चाहता हूं, कुछ और साइंटिस्ट की बात करना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को सब लोग जानते हैं। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने नॉर्मली दो ही साइंटिस्ट बहुत प्राइमरी लेवल पर आते हैं, न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। मैं दोनों की बात करना चाहूंगा। 1921 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था स्विट्जरलैंड में तो मुझे इनके उस घर में जाने का मौका मिला जहां पे वो रहा करते थे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ही वॉज फ्रॉम द बर्न स्विट्जरलैंड के थे। एक छोटा सा कमरा था उनके पास, वेयर ही प्रपोज द E=mc², वेयर ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक छोटे से कमरे में, एक छोटा सा कमरा, जब हम उस कमरे में गए तो पता चला इस कमरे को तो म्यूजियम बना रखा है, और उस छोटे से कमरे को देखकर हमें लगता है कि इस कमरे के अंदर इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की गई है, E=mc², तीन वर्ड्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा, आपको जिंदगी के अंदर इफ यू वांट टू डू द साइंस, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक एक्टिव माइंड की जरूरत है। इसके अलावा यू डू नॉट नीड एनीथिंग, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कुछ नहीं था, एक छोटे से कमरे में E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही प्रपोज्ड, एंड ही बिकेम द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखना पड़ेगा हमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड को।
न्यूटन, न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने, मुझे जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि न्यूटन के जो तीन लॉ हैं मोशंस के, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कभी भी तीनों लॉ मोशंस के, बट न्यूटन इज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्होंने मोशंस की स्टडी की, मूवमेंट की, पार्टिकल मूवमेंट की स्टडी की, तीन लॉ प्रपोज किए। और उनके बारे में जब पढ़ा जाता है कि न्यूटन सबसे पहले ग्रेविटी की स्टडी उन्होंने की, तो न्यूटन जब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल नीचे गिरा, तो न्यूटन के माइंड में आया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। हम यही पढ़ते हैं न्यूटन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि क्या न्यूटन के एप्पल के पेड़ के नीचे बैठने से पहले एप्पल ऊपर गिरा करते थे क्या? नहीं ना, एप्पल तो हमेशा ही नीचे गिरा करते थे, हर चीज नीचे ही गिरा करते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन एक डेवलप हुआ किसी माइंड के अंदर, ये जो क्वेश्चन डेवलप हुआ, यही है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, यही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। और यही क्वेश्चन था जिसके कारण ग्रेविटी की उन्होंने स्टडी की, जिसके कारण लॉ ऑफ मोशंस की उन्होंने स्टडी की। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके माइंड में तभी आएंगे जब आप के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्यूटन की तरह एस्टैब्लिश होगा, क्वेश्चंस डेवलप होंगे, जिज्ञासा आपके अंदर होगी, तभी आप इस तरह की साइंस कर पाएंगे जिससे मानवता को, जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपके, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, प्रोफेसर पर्सी स्पेंसर, आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर पर्सी स्पेंसर का, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। आपको पता है वो मैग्नेटिज्म पे काम किया करते थे, मैग्नेटिक फील्ड्स पे काम किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में गए तो बाय चांस उनकी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर एक चॉकलेट कैंडी रह गई, कैंडी चॉकलेट रह गई। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तब उनकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, डेली जाते थे, एक दिन बाय चांस रह गई चॉकलेट, कैंडी चॉकलेट बाय चांस रह गई जेब के अंदर, और जेब में रह गई तो मेल्ट हो गई। प्रोफेसर पर्सी स्पेंसर सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में जाने से ऐसा क्या हुआ कि मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई। ये जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन ने आज माइक्रोवेव को डेवलप किया। उन्होंने जब इसका आंसर पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड से वेव्स डेवलप होती है जिससे हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, हाई टेम्परेचर डेवलप होने से वो कैंडी मेल्ट हो गई। ये क्वेश्चन जो था, आम आदमी होता तो क्या करता, मेल्ट हो गई कोई बात नहीं, फ्रिज में रखिया खा गए। साइंटिफिक माइंड पर्सी स्पेंसर का, और वही साइंटिफिक माइंड था जिसके कारण आज मेरे घर में, आपके घर में, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल के अंदर माइक्रोवेव है। ये पर्सी स्पेंसर के उस क्वेश्चंस की देन है जो उनके माइंड में डेवलप हुआ कि चॉकलेट मेल्ट क्यों हो गए। तो इस तरह का साइंटिफिक दृष्टिकोण हमें डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम लोग साइंस कर पाएंगे। लाइफ साइंस के सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद होगा बारबारा मैक्लिंटॉक के बारे में। बारबारा मैक्लिंटॉक जो थी, आपको पता होगा बारबारा मैक्लिंटॉक, शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1983 में उसको नोबेल प्राइज मिला बिकॉज शी डिस्कवर्ड द ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स। ट्रांसपोजोन को डिस्कवर किया जिया मेज में, मक्का के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया। और ये जो उन्होंने स्टडी की थी ये 1940 और 1950 के बीच में गई की थी, 1940 से 1950 के बीच में उनकी डिस्कवरी है, व्हेन शी डिस्कवर्ड द ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स इन जिया मेज। बट उस समय लोगों को उसकी डिस्कवरी को समझ में नहीं पाए, लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया कि क्या ऐसे भी डीएनए होते हैं जो अपनी लोकेशंस को जीनोम के अंदर चेंज कर रहे हैं। लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, और फाइनली जो उसने स्टडी की थी 1940 से 1950 के बीच में, नोबेल प्राइज मिल गया 1983 के अंदर। सोचिए आप, तो आपको कभी भी कोई भी क्रिटिसाइज करे, इफ़ यू आर ट्रू, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तो यू शुड डू योर वर्क। आपको अपना काम करना है साइंस के अंदर। याद रखिएगा, आपका जो भी वर्क है सच्चाई के साथ किया हुआ वर्क है, आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आपके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, 100% अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और वो इट विल बी द लैंडमार्क्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। वो साइंस के अंदर एक लैंडमार्क होंगे। सीवी रमन साहब को हम सब जानते हैं, सीवी रमन साहब को 1930 में भारतीय वैज्ञानिक, ये पहले और आज तक किसी भारतीय को भारत में रहते हुए नोबेल प्राइज मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। ही वॉज द पर्सन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन साइंस इन 1930
30 फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला? बिकॉज ही इन्वेंटेड द रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट को उन्होंने बताया, और उस रमन इफेक्ट को जो उन्होंने बताया उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट रमन इफेक्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज डेवलप्ड। सो 1930 नोबेल प्राइज प्रोफेसर सी वी रमन साहब, कैसे उनके माइंड में आया रमन इफेक्ट के बारे में? हाउ ही स्टडीड द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आपको पता है पानी नीला क्यों है, स्काई नीला क्यों है? ये क्वेश्चन उनके माइंड में डेवलप हुआ, व्हाई द स्काई इज ब्लू, व्हाई द वाटर इज ब्लू। एक छोटा सा क्वेश्चन उनके माइंड में डेवलप हुआ। पहले लोग सोचा करते थे कि वाटर इसलिए, वाटर जो है वो इसलिए ब्लू है क्योंकि स्काई ब्लू है। उससे पहले ये सोचा करते थे, हर व्यक्ति ये सोचता था, साइंटिस्ट भी ये सोचते थे कि वाटर इसलिए ब्लू है क्योंकि स्काई ब्लू है। लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने जब लाइट के करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की और फाइनली बताया कि why the sky is blue, why the water is blue, and then it was the great discovery in 1928, और 1928 को 18 Feb 1928 को he described the Raman effect, that's why we celebrate National Science Day, Indian National Science Day on 28 Feb every year, and he received Nobel Prize in 1930. So Professor C.V. Raman साहब का एक questions के कारण आज जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स है उसमें एक एनालिटिकल टेक्निक है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको यूज किया जाता है पार्टिकल्स की स्टडी के लिए। तो छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बड़ी डिस्कवरीज। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इटालियन एस्ट्रोलॉजिस्ट की, सबने नाम सुना होगा गैलीलियो। गैलीलियो जो थे, आपको मैं बता देता हूँ, उस समय जब गैलीलियो काम कर रहे थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड कि ये जो सूरज है उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, अर्थ रोटेट अराउंड द सन। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब इट। लेकिन जब यूनान, उस समय यूनान हुआ करता था, यूनान, यूनानी साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो आज आपको यूरोपियन, यूरोप का कुछ पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम का कुछ पार्ट है, वो यूनान कहलाता था। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया, और एक एस्ट्रोनॉमी की कॉन्फ्रेंस में उनका मजाक उड़ाया गया, अरे कौन है ये इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो, अरे उसको तो सीधी लकीर ही खींचना नहीं आता। सोचिए, एक एस्ट्रोनॉमिस्ट के बारे में, गैलीलियो के बारे में ये कमेंट किया जाता है कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कौन गैलीलियो जिसको सीधी लकीर नहीं खींचनी आती, वो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। सोचिए, आप यदि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो आपकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो गैलीलियो के पास जब ये कमेंट पहुंचा कि उसके बारे में ये बात कही है, तो नेक्स्ट ईयर वो जब एस्ट्रोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाते हैं, और पुराने पिछले साल जो इनके ऊपर कमेंट किया हुआ था, कमेंट किया था कौन गैलीलियो जिसको सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती, वो एक चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सर्किल खींच देते हैं, चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सर्किल खींच देते हैं, और बोलते हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर लीजिए, 100% सर्किल है। सोचिए, इस सर्किल को उन्होंने जो रफली खींच दिया था कि यू कैन मेजर इट फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट, इट इज 100% सर्किल। याद रखिएगा, सर्किल वो होता है जो सेंटर से जिसका रेडियस हमेशा बराबर रहता है, दैट इज द सर्किल। तो दिस इज द कॉन्फिडेंस जिसके लिए कहा गया था कि इसको सीधी लाइन नहीं खींचनी आती, वो कह रहा है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसने अपने कॉन्फिडेंस से एक सर्किल खींच के चैलेंज कर दिया कि कोई इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके दिखा दे। तो ये छोटी छोटी हमें सीखना है, सबसे पहले साइंस पढ़ रहे हो आप, साइंस पढ़ रहा हूं मैं, सो वी हैव टू डेवलप द साइंटिफिक एप्टीट्यूड। विदाउट साइंटिफिक एप्टीट्यूड हम नहीं कुछ कर सकते। प्रोफेसर सतीश चंद माहेश्वरी साहब, जिन्होंने 1962 के अंदर हैप्लॉइड प्लांट बनाया था, आपको याद होगा, मुझे, मेरा उनसे फैमिली रिलेशन रहा था, बहुत अच्छा रिलेशन रहा था, मेरे फादर के बहुत अच्छे मित्र रहे थे, टीचर रहे थे। 1960 वो एम्ब्रियोलॉजी पे काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन माइटोसिस, माइटोसिस के ऊपर काम कर रहे थे, मियोसिस के ऊपर काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने धतूरा प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को लिया, उसके एंथर्स को लिया उन्होंने, तो जब वो मियोसिस की स्टडी कर रहे थे कि कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, हाउ द पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड थ्रू द मियोसिस प्रोसेस, तो बाय द वे कोई पॉलन ग्रेन बाय चांस न्यूट्रिएंट मीडिया पे चला गया और वो प्लांटलेट बन गया, और दैट वाज द हैप्लॉइड प्लांट। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, द शिप्रा गुहा एंड प्रोफेसर सतीश चंद माहेश्वरी ने उसको ऑब्जर्व किया
कि ये प्लांट कैसे डेवलप हो गया, पोलन कैन पोलन ग्रेन डेवलप द प्लांट्स, और ये इट वॉज ए बिग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ साइटोजेनेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट. तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन इन द लेबोरेटरी, कि लैब के अंदर मियोसिस मायोसाइटोसिस की जो स्टडी थी उसको साइड में रखकर जो ऑब्जर्वेशन ली कि हैप्लॉइड प्लांट कैसे बन गया, बाई चांस कैसे बन गया, एंड दैट वॉज द लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, आज वाला मेरा लेक्चर ये था, कुछ एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, न्यूटन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, प्रोफेसर पर्सी स्पेंसर का, गैलीलियो का, बारबारा मैकलिनटॉक का, प्रोफेसर एस सी माहेश्वरी साहब का एग्जाम्पल दिया. ये केवल इसलिए एग्जाम्पल दिया कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप किए बिना आप हम कभी भी साइंस नहीं कर सकते. यस, हम BSc, MSc, PhD कर सकते हैं लेकिन साइंस नहीं कर सकते. तो साइंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना. थैंक यू वेरी मच. मेरे चैनल के साथ आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए. कल हम बात करेंगे DNA की बात करेंगे, बहुत डेप्थ में बात करेंगे, काफ़ी कुछ इसके बारे में समझेंगे, बहुत कुछ जानना जरूरी है DNA के बारे में. तो मुझसे जुड़े रहिए, कल हम बात करेंगे DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों यदि आपको आज मेरा साइंटिफिक मोटिवेशन का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा है, आप मोटिवेट हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमेशा मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा. हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है साइंस को समझना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट फिजियोलॉजी के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना सरल भाषा के अंदर. तो आपको यदि आज वाला मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.